जाजपुर। सब्जी विक्रेता ने लगाया एसडीएम पर मारपीट का आरोप। सब्जी विक्रेता के हाथ में फ्रैक्चर, डॉक्टरों ने बड़वानी इलाज हेतु जाने का कहा। राजपुर एसडीएम वीर सिंह चौहान पर सब्जी विक्रेता गेंदालाल और उसके पुत्र ने मारपीट करने और एसडीएम की मारपीट से हाथ फ्रैक्चर होने का आरोप लगाया। दोनों का कहना है कि आज गुरुवार होने के चलते हमने सब्जी का ठेला लगाया था और एसडीएम जैसे ही मौके पर पहुंचे हमसे मारपीट करने लगे। सब्जी विक्रेता के पुत्र का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर का कहना है कि हाथ में फ्रैक्चर है, इसलिए बड़वानी इलाज हेतु जाना पड़ेगा। वहीं जब एसडीएम से इस संबंध में बात करना चाहिए तो उन्होंने अपने बाहर होने का हवाला दिया और उसके बाद फोन पर संपर्क नहीं कर रहे। वहीं राजपुर एसडीओपी का कहना है कि इस मामले में अब तक थाने पर कोई शिकायत नहीं आई है और अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जाँच की जाएगी। हालांकि फिलहाल हाट बाजार पर पूरी तरह प्रतिबंध है, उसके बावजूद सब्जी विक्रेता का ठेला लगाना अपने आप में गलत है, लेकिन एसडीएम द्वारा अगर इस तरह मारा गया कि किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो यह भी कतई उचित नहीं। जी की दुकान लगी थी, एसडीएम साहब ने आके सपाटे मारने चालू कर दिए और हर बार ऐलान होती है 11 बजे तक दुकान लगाने का। आज गुरुवार भी, आज तो लग नहीं सकती दुकान, हर बार चार गुरुवार से हो रही है कि दुकान ही लग रही है जब से कोरोना वायरस आया है। फिर तुमने कैसे लगी दुकान? आज तो गुरुवार है, ऐलान नहीं करा था, हमने सोचा लगा लगाने देंगे दुकान। कितने बजे मारा इन्होंने? इन्होंने 9 बजे। क्या हुआ फिर? अभी आप क्या बताया डॉक्टर ने? क्या बताया डॉक्टर ने? बोल दिया बड़वानी ले जाओ। क्यों? फ्रैक्चर होगा, यहाँ पर नहीं होगा कुछ, बड़वानी ले जाना पड़ेगा। बड़वानी ले जाने का बोल दिया। इस सूचना कोई राजपुर थाने में तो अभी प्राप्त नहीं हुई है कि किसी व्यक्ति के द्वारा एसडीएम साहब के ऊपर कोई पिटाई का आरोप लगाया गया। फिर भी ऐसी कोई सूचना प्राप्त होगी तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।